हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3, उसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, वही क्वेश्चन हम आज देखने वाले हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a 1 upon x plus under root a square minus x square dx। हमने पिछले लेक्चर में प्रॉपर्टी नंबर 4 को पढ़ा था और उसी प्रॉपर्टी नंबर 4 पे हमने कुछ दो एग्जाम्पल्स भी आपको लिए थे, तो उस एग्जाम्पल के आगे चलते हैं और ये एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि हमारे एक्सरसाइज में आपको दिया गया है। ठीक है, तो इस एग्जांपल में देख लीजिए आपको क्या दिखाई दे रहा है। एक लिमिट दिया है 0 से लेकर a तक और ये कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 1 upon x plus under root a square minus x square। सबसे पहली बात, ये बात ध्यान में रखिएगा, जब भी आपके पास अंडर रूट में a square minus x square या समथिंग कुछ भी ऐसी इसी टाइप की कोई टर्म अगर रहती है तो उस वक्त आपको सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है तो आपको x की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा ये आप सोच के बताइए। आपने ये सारी की सारी चीज़ें डेरिवेटिव पे भी पढ़ी है, इंटीग्रेशन में पढ़ी है कि जब भी आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले टर्म रहती है तब आपको पुट करना पड़ता है x इज इक्वल टू a cos थीटा या फिर a sin थीटा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पुट कर रहा हूँ x इज इक्वल टू a sin थीटा। तो a sin थीटा पुट करने के बाद मुझे पता चल रहा है यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू a cos थीटा इंटू d थीटा आएगा। ये हमारे डिफ्रेंशिएट करने के बाद वाले टर्म है। ठीक है, तो इस तरह से अगर करते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है आई जो है इंटीग्रेशन, हाँ, और एक लिमिट भी चेंज करनी है। तो सबसे पहले व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो है तब थीटा इज इक्वल टू ऑल्सो जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो ठीक है, देख लीजिए एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो यानी कि क्या होगा, जीरो ही होगा, तो जीरो हो जाएगा इधर थीटा इज इक्वल टू जीरो। और जब हमारा एक्स इज इक्वल टू ए है देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहाँ पे ए ए के वन हो जाएगा और साइन 90 ए होता है यानी कि पाई बाय 2 आ जाएगा। राइट, तो इस तरह से चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो आई हमारा इंटीग्रेशन चेंज होएगा 0 से लेकर पाई बाय 2 तक। ठीक है, तो dx की जगह पे आंसर है हमारा a cos थीटा इंटू डी थीटा और डिनोमिनेटर में आपके पास टर्म रहेगी x की जगह पे हमने पुट किया था a sin थीटा, उसके बाद प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरह से आपके पास टर्म आ जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से 0 से लेकर पाई बाय 2 तक बन जाएगा। यहाँ पे a cos थीटा है हमारे पास और यहाँ पे a sin थीटा है, उसके बाद प्लस यहाँ पे a स्क्वायर को अगर कॉमन निकाल लूँ तो ये a बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट कैंसिल होके हमको सिर्फ और सिर्फ cos थीटा देगा ये वाली टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे a cos थीटा आ चुका है। उसके बाद देखिए सभी में डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अगर मैं ए कॉमन निकाल लूँ तो ये ए कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिंगल टर्म बच जाएगी 0 से लेकर पाई बाय 2 तक कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा। तो ये हमारे टर्म बच जाएगी और ये हमारे आई टर्म है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब उसके बाद हमको क्या करना है, प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करना है। तो आपने प्रॉपर्टी नंबर 4 को अच्छे से पढ़ लिया है, आई होप कि आपने वो सब कुछ अच्छे से देख लिया होगा और पिछले जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए कि हमको क्या करना है। यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर मैं 4 का यूज कर रहा हूँ जिसमें मुझे x की जगह पे पुट करना होता है पाई बाय 2 सॉरी a माइनस x। तो यहाँ पे थीटा है हमारा, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे हमारे पास क्या आएगा, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा आ जाएगा और वैसे ही डिनोमिनेटर में साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा आ जाएगा प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा आ जाएगा। ठीक है, डे थीटा। तो इस तरह से हमारे पास टर्म बन जाएंगी और इस टर्म का आंसर जो आ जाएगा 0 से लेकर पाई बाय 2 तक कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा यानी कि हो जाता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे कॉस थीटा और यहाँ पे आ जाता है साइन थीटा डी थीटा। तो इसको इक्वेशन नंबर मैं 2 दे देता हूँ। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अच्छे से देख लीजिएगा। अब आप क्या करेंगे, हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, एडिंग होती है। तो मैं यहाँ पे एडिंग कर रहा हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 and 2 की मैं एडिशन कर देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 की जब एडिशन करता हूँ उसके बाद आपको टर्म आ जाती है 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई बाय 2 तक, ऊपर साइड डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो डिनोमिनेटर में सेम ही आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और ऊपर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ही आएगा आपके सामने। अच्छे से देख लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा। एडिंग कर रहे हैं 1 और 2 का, ठीक है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा तो इंटीग्रेशन में बचेगा 0 से लेकर पाई बाय 2 तक 1 डी थीटा और इसका आंसर आप सभी को पता है कितना आता है, इसका आंसर एक्स सॉरी थीटा आता है और कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर पाई बाय 2 तक। तो यानी कि 2i इज इक्वल टू हमारे पास टर्म आ जाएगी पाई बाय 2 और i इज इक्वल टू मिल जाएगा पाई बाय 4। तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर।
ओके तो समझ में आ गई है इस स्टेप को, सारी की सारी स्टेप अच्छे से देख लीजिएगा, और कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं मेरे को इस कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर वन है हमारा। क्वेश्चन नंबर टू हमारा पिछले लेक्चर में ही हो चुका है, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करते हो तो पिछला लेक्चर देख लीजिए, वहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर टू भी मिल जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे उसी एक्सरसाइज से। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। एग्जांपल नंबर थ्री है एक्सरसाइज 4.2 का, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 लॉग ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1 डीएक्स। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, वैसे ही उसी प्रॉपर्टी का यूज करके वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको आई कंसिडर कर लीजिए, आई कंसिडर करने के बाद आपको पता चलेगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 लॉग ऑफ 1 बाय एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा, dx बन जाएगा, ठीक है। अभी हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो बाय प्रॉपर्टी क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह पे पुट करना है 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हमारा जो सब्स्टिट्यूशन है वो आपको पता है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम, ये बार बार प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 का क्वेश्चन, प्रॉपर्टी नंबर 4 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे साइड में आपको लिख लेना है, ठीक है। वो प्रॉपर्टी क्या है मैं बता देता हूँ, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स dx। तो इस तरह से वो प्रॉपर्टी आती है, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है। आपकी किताब में प्रॉपर्टी नंबर 5 देखी होगी ये, तो कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, आपको ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख देनी है उसकी साइड में, ठीक है। तो अभी आगे देखते क्या होता है। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 लॉग ऑफ 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स dx, तो इस तरह के टर्म आ जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 लॉग ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स dx, तो ये टर्म आपके पास बचेगी। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे, उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 देंगे इसको, ठीक है। अब करेंगे क्या, एडिंग करेंगे, यस वही चीज जो करनी है, एडिंग करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 को ऐड करने के बाद यहाँ पे 2i आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस log ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स डीएक्स, तो इस तरह से टर्म हमारे पास बन जाएगी, ठीक है। देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया हमने, उसके बाद ये 2i आ जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू लेकर 1 तक। अब लॉग में आपको पता है लॉग ए प्लस लॉग बी यानी कि मल्टीप्लीकेशन होगा, तो लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इन टू 1 एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स डीएक्स बन जाएगा। वहां से 1 माइनस एक्स कैंसिल कर देंगे, एक्स को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास इंटीग्रेशन में 0 से लेकर 1 2i इज इक्वल टू लॉग ऑफ बचेगा कितना 1 dx, और इंटीग्रेशन की निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि लॉग 1 का आंसर तो 0 आता है, तो यहाँ पे मुझे मिला 2i इज इक्वल टू 0, देयरफॉर i इज इक्वल टू 0, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ भी हार्ड नहीं था इस एग्जांपल में। आप अच्छे से देख लीजिएगा, प्रॉपर्टी का यूज किया है, बाकी कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, नो सब्स्टिट्यूशन और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सो राइट डाउन दिस। तो आज के इस लेक्चर में हमने